बिहार में मैट्रिक्स की परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। कापियों की जांच का काम पिछले सप्ताह खत्म होने के बाद बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के आधे टॉपर्स का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू सोमवार को कर लिया। बचे हुए आधे टॉपर्स के वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का काम मंगलवार को खत्म हो जाने की संभावना है। बोर्ड के सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 20 मई को मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 15 लाख स्टूडेंट का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। पिछले साल बिहार बोर्ड ने टॉपर्स का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होने के बाद 6 अप्रैल को नतीजा जारी कर दिए थे। इस साल इंटर का रिजल्ट तो लॉकडाउन की शुरुआत में 24 मार्च को ही आ गया था, लेकिन मैट्रिक की कॉपियों की जांच का काम रुक जाने की वजह से इसमें करीब 1.5 महीने की देरी हो गई है। 6 मई को मैट्रिक की कॉपियों की जाँच दोबारा शुरू हुई। इससे पहले बिहार बोर्ड 38 जिलों में अपने बोर्ड कर्मियों को भेज कर सभी जिलों के टॉपर्स की कॉपियाँ मंगाई थी और दोबारा कॉपियाँ चेकिंग की गई। आपको बता दें कि पिछले साल सिमुलतला विद्यालय ने बाजी मारी थी। 2019 के नतीजों में 5 रैंक पाने वाले 8 स्टूडेंट सिमुलतला विद्यालय के थे। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार बोर्ड्स को लेकर। यहाँ पर 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि 20 मई यानी कि कल जारी किया जा सकता है। आज शाम तक टॉपर्स का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू कर लिया जाएगा। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग बिहार के किस जिले से रहने वाले। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने जिले का नाम लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए BSEB, जिससे कि आगे मुझे न्यूज़ देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।